हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 की थी। 5.12 में क्या है, आपको जैसे 5.1 था उसमें हमने कन्वर्ट करना था रुपीज़ को पैसा में, पैसे को रुपीज़ में। बट इसमें क्या करना है, आपने सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप 4.7 में आप एडिशन, सॉरी जो आपका चैप्टर नंबर 4 था फ्रैक्शन का, उसमें आप डेसिमल डिजिट को जैसे आप आपस में ऐड करते थे, वैसे इसमें आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो फर्स्ट वी विल सॉल्व विद आवर फर्स्ट सम। तो फर्स्ट सम क्या है, रुपीज़ 1123.50, नीचे क्या है रुपीज़ 1242.40, इसे आपने प्लस करना है। 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 4 कितना होता है, 9 होता है। उसके बाद आपने डेसिमल जरूर लगाना है, ठीक है। देन 3 प्लस 2 5, ठीक है। देन उसके बाद है 4 प्लस 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3 एंड 1 प्लस 1 2। तो आपके पास आंसर, यहाँ पे अपने रुपीज़ का साइन भी जरूर लगाना है, रुपीज़ का सिंबल भी जरूर लगाना। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2365.90। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में क्या है, आपके पास क्या है, रुपीज़ 2412.58, रुपीज़ 3279.60, आपने क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 5 11, देन डेसिमल जरूर लगाना है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 9 प्लस 1 10, प्लस 2 12, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 3 5, तो आपके पास क्या आएगा, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। सी पार्ट आपने खुद, सी डी आपने खुद सॉल्व करना है। ई पार्ट में सॉल्व करूंगी, प्लस ही करना है, सिंपल ही है। ई पार्ट सॉल्व करते हैं अब। रुपीज 4428, रुपीज 3240, इसे आपने क्या करना है, प्लस करना है। इसमें कोई डेसिमल नहीं है तो सिंपल आप प्लस करोगे। 8 0 8, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 3 7, तो रुपीज क्या आएगा, 7668 आएगा। मैं आपको सी और डी का आंसर लिख देती हूँ ताकि आप अपने आंसर मैच कर लो। सी का आंसर और डी का आंसर मैं आपको लिख देती हूँ। आपने रुपीज का जो सिंबल है वो जरूर लगाना है, ठीक है, ठीक है। ये सी का आंसर है, ये डी का आंसर है। हमने ई कर लिया, अब हम एफ पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। एफ अभी तक आपने क्या करे थे, एडिशन करे थे, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। 2242.18 माइनस करो आप इसे, और रुपीज़ आपने ज़रूर मेंशन करना है, रुपीज़ लिखना भी ज़रूर है, नहीं लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 में से 8 नहीं होगा तो हम यहाँ करेंगे 10 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 3 बच जाएगा। 10 में से 8 गए 2, 3 में से 1 गए 2 डेसिमल, 9 में से 2 गए 7, 8 में से 4 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 2 गए 3, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 3247.22 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था एफ। अब हम जी पार्ट सॉल्व करेंगे। रुपीज 2624.58, रुपीज 2216.26, इसे आपने क्या करना, माइनस करना है अगेन। 8 में से 6 गए 2, 5 में से 3 गए, 5 में से 2 गए 3, देन डेसिमल लगाना है। यहाँ पे 4 में से 6 तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 14 आया, ठीक है, ठीक है। 14 में से 6 गए 8, 1 में से 1 गया कितना आया, 0, ठीक है। 6 में से 4 गए 2 गए 4, 2 में से 2 गए 0, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 408.32, ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपके सही है। जी हो गया, अब हम क्या करेंगे, एच और जे पार्ट इकट्ठे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एच पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे 2 में से 8 तो माइनस नहीं हो सकता था, 12, ठीक है, यहाँ पे बचा 7, 12 में से 8 गए 4, ठीक है, 7 में से 2 गए 5, देन डेसिमल, यहाँ पे 6 में से 8 ही नहीं जाएगा, यहाँ पे 16 है, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे कितना बचा, 3, 3 में से 1 गए 2, 1 में से 1 गए 0, 5 में से 3 गए 2 गए। ऐसे ही आई पार्ट है, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 6 गए 2,
फाइव में से थ्री गए, देन आपने दस से मजूर लगाना, फाइव में से थ्री गए टू, फोर में से टू गए टू, एंड टू में से वन गया वन, एंड थ्री में से थ्री माइनस करोगे तो जीरो आएगा, तो आपके पास आंसर ये आएगा। ये था आई पार्ट। अब हम इसका ठीक है एच जी जे पार्ट सॉल्व करेंगे और के पार्ट सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने दो दो थी, अब हमारे पास कितनी वैल्यू है, एक दो थ्री में, ठीक है। जे पार्ट हम सॉल्व करेंगे, आपने प्लस करना है, एट प्लस थ्री इलेवन, इलेवन प्लस टू थर्टीन, थ्री यहाँ पे वन, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन प्लस वन एट, टेन, आपने डेसिमल लगा देना है। डेसिमल जीरो लगाना, डेसिमल नहीं लगाओगे आपका सम गलत हो जाएगा, ठीक है। फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन प्लस एट कितना होता है फिफ्टीन, फाइव यहाँ पे वन गया। टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस वन फाइव, देन थ्री वन प्लस थ्री फोर, फोर प्लस फोर एट, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम के पार्ट सॉल्व करेंगे, के में क्या है, रुपीस 217.29 रुपीस, आप इसे पॉइंट भी कह सकते हो और इसे आप डेसिमल भी कह सकते हो, रुपीस 424.18 रुपीस 326.64, ठीक है। इसे आप प्लस करो आप आपस में, ठीक है। प्लस करके हम आंसर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 4 21, 21 यहाँ पे 2, 2 प्लस 1 देखो 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 1 11 यहाँ पे 1, ठीक है। 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 1 18 वहाँ पे 1, ठीक है। 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, ठीक है। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये था आपका ए पार्ट। अब हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। बी पार्ट में आपको सेम ही है, ठीक है। इसका हम ओनली सम ए, ठीक है, बी डी सॉल्व करेंगे, बाकी आपके लिए होमवर्क है, आप खुद सॉल्व करो, ठीक है। जितना आप प्लस माइनस करोगे उतना आप उसमें एक्सपर्ट रहोगे। देखो हमेशा याद रखो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, अगर आप डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं लगाओगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा, ठीक है। आपके पास सॉरी यहाँ पे फाइव है, फाइव प्लस फाइव टेन वन, ठीक है, सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन प्लस एट, इसके बाद यहाँ पे डेसिमल आएगा, ठीक है। एट प्लस फोर कितना होता है, एट प्लस फोर कितना होता है ट्वेल्व, ठीक है। टू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वन आएगा। थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, ठीक है। वन प्लस वन टू, थ्री प्लस फाइव टू फाइव, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी पार्ट आप खुद करोगे, सी पार्ट सॉल्व करते चलो हम। सी में आपके पास क्या है, रुपीस 524.18 रुपीस 4216.27 प्लस करो, ठीक है। प्लस करोगे तो आपके पास देखते क्या आंसर आता है, एट प्लस सेवन कितना होता है फिफ्टीन, फाइव वन यहाँ पे, टू प्लस वन थ्री प्लस वन, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर, देन डेसिमल, सिक्स प्लस फाइव इलेवन वन, फोर प्लस वन फाइव प्लस वन सिक्स, फोर टू प्लस टू फोर, फाइव प्लस फोर नाइन, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास, आंसर था। अब हम डी पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। डी और आपके लिए जो ई पार्ट है वो आपका होमवर्क है, आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। फोर फाइव एट जीरो डेसिमल फोर टू माइनस एट वन डेसिमल टू नाइन टू टू रुपीस का साइन माइनस करो, ठीक है। टू में से एट तो माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ट्वेल्व, और यहाँ पे क्या बचेगा थ्री। ट्वेल्व में से एट गए कितना बचा फोर, ठीक है। थ्री में से वन गए कितना बचा टू, देन डेसिमल, ठीक है। जीरो में से टू तो नहीं होगा, तो यहाँ पे टेन आएगा, ठीक है। टेन में से टू गए एट, यहाँ कितना बचा सेवन, सेवन मतलब सेवनटीन, ठीक है। सेवनटीन में से नाइन गए तो कितना बचा एट बचा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा था फोर, फोर में से टू गए टू, फोर में से टू गए टू रुपीस, ये था आपके पास आंसर, ठीक है। ई पार्ट का मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ, ई पार्ट का क्या आंसर आएगा आपका, ठीक है। ये ई पार्ट का आंसर है, आप सॉल्व करो, ठीक है।
ठीक है, खुद सॉल्व करो और अपने आंसर मैच करो कि जो आपने आंसर निकाला है वो इसके साथ मैच होता है कि नहीं होता। विद दिस आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाती है। इसमें आपने सिर्फ एडिशन करना था और सब्ट्रैक्शन करना था, बहुत ही ज़्यादा ईजी सम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।